ठीक है, सीरीज पैरेलल तो आता है ना सबको। यहाँ पे बैटरी लगा दी है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, करंट निकालो, यही सब कहानी है निकालना है। अब सीधा रटना है कि समझना है? देखो ये समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा, रटने में सीधा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई नहीं होगा सॉल्व। पहले एक चीज, अगर मैं बैटरी को उल्टा कर दूं तो हर एक ब्रांच में सर्किट का करंट रिवर्स हो जाता है, सबसे पहली बात तो है ना। अभी अगर आई इधर जा रहा है, इधर पे ऐसा आ रहा है, बैटरी को उल्टा कर दूंगा तो आई ऐसा जाएगा, हर ब्रांच का करंट रिवर्स हो जाएगा ना। ये चीज समझ में आ रही है? जैसा भी जा रहा है सब ऐसा रहेगा, बस करंट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अपन फिर करते हैं ना, अपन डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो मान लो इधर से आई गया, आई में से इधर पे आ गया, मान लो इधर पे आ गया आई वन, इधर पे कितना आ गया? अब इतना तो मुझे पता है, इधर आई जा रहा है तो इधर वापस आई आना चाहिए। अब देखो मुझे सिमेट्री तो दिख रही है ना यहाँ पे, जैसा ये है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें से आई वन, अगर इसमें आई वन जा रहा है तो इसमें से आई वन वापस आएगा, और इसमें से आई माइनस आई वन जा रहा है तो इसमें से भी आई माइनस आई वन आएगा, ये बोल सकते हैं क्या? बताओ क्यों बोल सकते हैं? तो मैं वो भी क्यों बोल सकते हैं? हाँ डिवाइड हो जाएगा, मान लीजिए 10 एम्पियर था, मान लीजिए 10 एम्पियर था, इसमें से 4 एम्पियर जा रहे, इसमें से 6 एम्पियर, इसमें से 7 आ जाए, इसमें से 3 आ जाए, क्या दिक्कत है? टोटली तो यही तो है भाई, करंट पूरा सेम रहेगा ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ये बोल सकते हैं कि इसमें से आई वन आएगा और इसमें से आई माइनस आई वन आएगा, क्या ये बोल सकते या नहीं बोल सकते? बोल सकते तो रीज़न दो, नहीं तो मतलब नहीं बोल सकते। पूरी कहानी इसकी है, जहाँ तुमने ये चीज़ समझ ली तो चलो समझते हैं ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते तो क्यों कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या आर्ग्यूमेंट बोला, अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दूँ, अगर बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर, पोलैरिटी मतलब पलट दूँ है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दूँ, हर ब्रांच में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो देखो चलो बैटरी को उल्टा बना देते, मान लो पलट दो बैटरी की पोलैरिटी, यही है तो पलट दी, तो इधर से आई जा रहा था। अब देखो जैसा इधर से देखने पे दिख रहा है वैसे ही इधर से देखने पे दिख रहा है ना। तो अगर इधर से आई जा रहा था तो इसमें आई बन जाएगा, इसमें आई माइनस आई बन जाएगा, ये किस आर्ग्यूमेंट से बोल रहा हूँ? इस आर्ग्यूमेंट से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ तक देखो, यहाँ पे कोई डाउट है पहले बताओ, क्योंकि जैसा देखने पे इधर से दिख रहा है वैसे ही देखने पे इधर से दिख रहा है, बिल्कुल सिमिलर है, हुआ हुआ है, नेचर बायसनेस तो करेगा नहीं, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से जैसा है बिल्कुल पीछे से भी बिल्कुल वैसे ही है, तो ऐसा होगा क्या? ठीक है पक्का है। और अब फिर से मैंने क्या बोला, अब मैं उस वाले कंसेप्ट को यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दूँ तो हर एक ब्रांच में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब अगर इस बैटरी को पलट दूँ मैं तो जो आई माइनस आई वन इधर जा रहा है वो आई माइनस आई वन इधर जाएगा, जो आई वन इधर जा रहा है वो आई वन इधर जाएगा, जो आई इधर जा रहा है वो आई इधर जाएगा। तो पलट देते हैं इसको, पलटेंगे तो फिर से ऐसा दिखेगा, अब बोल सकते हो इसमें आई वन आई माइनस हो जाएगा, हो गया, यही तो था आर्ग्यूमेंट, खत्म। तो भाई सबसे पहले तो लिखो भाई क्या लिख रहा है, हाँ, If the polarity of the battery is reversed, direction of current is reversed in all the branches. तब इसको याद रख सकते हो क्योंकि अभी ये समझ लिया है। तो symmetric branches है ना, अगर left और right से देखने में, मतलब battery की जो दो opposite polarity है उधर से देखने पे same दिख रहा है तो same current जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे बिल्कुल same दिख रहा था, तो अगर इसमें I माइनस I बन गया तो इसमें भी उतना ही जाएगा। ये चीज समझ में आ गई क्या? फिर से बताओ ये वाली चीज की आ गई समझ में, कैसे कराइए, कितने लोगों का आया समझ में? चलो ठीक है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर देखो क्या है, अब देखो अब आगे का सोल्व कर देते हैं। फिर I माइनस I बन इसमें से जा रहे हैं और इधर कोई पूरा ही तो इसमें चला गया, इस वाली ब्रांच का पूरा करंट इसमें ही तो चला गया, ऊपर गया क्या, इसमें कुछ डिवाइड हुआ क्या? तो अगर इसको मैं ऐसे बना दूं, अगर तो मैंने सर्किट में कोई चेंज करा के बताओ, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इस ब्रांच का तो पूरा करंट वैसे भी इसमें ही जा रहा है, मतलब इसमें जो भी करंट होगा मान लो I2 होगा मान लेते ना, तो ये I2 भी पूरा का पूरा इधर ही जा रहा है, इसमें तो कुछ बच नहीं रहा, समझ में आ रही है के बाद? तो इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं क्या? रीजन समझ में आया क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इस ब्रांच से कोई भी करंट इन वाली ब्रांचेस में नहीं जा रहा था, और जब अलग करते हैं तब भी नहीं जाता, मतलब उनके कनेक्शन होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अलग कर देते हैं, अब सॉल्व हो गया सर्किट। क्यों? अब ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, जल्दी बताओ सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आएगा इक्विवेलेंट। चलो कर देता हूं फिर भी मैं एक बार, देखो ऐसा बन जाएगा, इन दोनों को अलग करा तो ये आर और आर कंबाइन होकर क्या बन गए 2R, ये भी तो सीरीज में हो गए, और फिर इधर पे एक है, देखो ये आर और आर मिलके 2R बन गया, ये दोनों को इन दोनों ब्रांच में भी सेम करंट है तो ये भी सीरीज में, ये आर और आर मिलके क्या बन गया, ये भी 2R। देखो इससे इसमें किसी को डाउट है क्या? कोई नहीं है। अब इस 2R और R को पैरेलल में कंबाइन कर देते हैं, ये तो पैरेलल दिख रहा है तो कितना आएगा 2R into R by 3R, 2R by 3, अरे करते हो ना R1 R2 by R1 plus R2, 2R into R by 2R plus R, 2R by 3। तो देखो फिर क्या बन गया 2R by 3 R R, और नीचे क्या है अपना 2R, अब तो कर लोगे यार खुद से 2R by 3 plus 2R 8R by 3 है ना, तो ये 8R by 3 और 2R पैरेलल में, देखो 8R by 3 और 2R क्या है तुम्हारे पैरेलल में, तो अब क्या बनेगा बताओ, इन दोनों को पैरेलल कंबाइन कर दो तो क्या आ रहा है बताओ, 8R by 3 into 2R divided by 14R by 3, यही आ रहा है ना, तो R by 3 से R by 3 गया, क्या बचा तुम्हारा 8R by 7, तो R equivalent तुम्हारा कितना आ गया 8R by 7।
तो आई आर इक्विवेलेंट, आई कितना हो जाएगा तुम्हारा? वी वाई आर इक्विवेलेंट होता है आई तो, है ना, बैटरी से जो करंट निकलता है। किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ लो मेरे से।